जगन्नाथ भगवान एकमात्र से ठाकुर जी रात में सुबह से भी ज्यादा श्रृंगार करते हैं सोने से पहले जगन्नाथ भगवान वैसे तो जगन्नाथ जी की पलके नहीं है खुली हुई आंख रहती है हमेशा पलक क्यों नहीं है उसके पीछे कारण बताते हैं बेचारे इतने सारे वैष्णव आते हैं कोई वैष्णव आया भीड़ भाड़ की वजह से वो मुझे नहीं देख पाया तो कम से कम मैं तो अपनी आंख खुली रखू उसको देखता रहू इसलिए पलक नहीं है जगन्नाथ जी के लेकिन जब रात्रि श्रृंगार होता है ना जगन्नाथ जी का तो कभी जाइए रात में शयन का दर्शन करना तो पुष्पों की पलकें बनाई जाती हैं जगन्नाथ जी को ऐसे आंखों के ऊपर से ऐसे धराई जाती हैं क्यों अब ठाकुर जी सोएंगे पुष्पों से पलक बनाएंगे पुष्पों से हाथों के पंजे बनाएंगे पांच ऐसे लटका देते हैं हाथों के आगे ऐसे हाथ लटकते हैं पांच उंगलियां दिखती हैं मैंने पुजारी जी से पूछा मैंने कि यार सुबह तो इतना श्रृंगार नहीं करते और राबी शयन का समय ठाकुर जी का इतना श्रृंगार क्यों हमारे जगन्नाथ जी कपाट बंद होते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं चले जाते हैं कहा जाते हैं बोले वृंदावन जाते हैं मतलब श्री जगन्नाथ जी भी अपना अखंड वृंदावन वास नहीं छोड़ते दिन भर वो पुरी में रहते हैं लेकिन रात्रि होते ही श्री वृंदावन चले जाते हैं और श्रृंगार क्यों करते हैं फिर भाई वृंदावन गए तो वृंदावन चलो सोने गए श्रृंगार क्यों बोले वृंदावन में ठाकुर जी सोने थोड़े ही गए हैं बोले सब गोपियां और श्री राधा रानी प्रतीक्षा रहते हैं वृंदावन में राज बिहार के लिए इसलिए श्री जगन्नाथ जी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है रास बिहारी बना करके उनको रात्रि में शयन करात मतलब रात्रि में उनको भेजा जाता है जाओ अब राज बिहार करके आओ ना